हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हाउस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज यहां पर हम लोग सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज हाउस, मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे 12 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में पर्यटन को टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु युद्ध क्षेत्र पर्यटन शुरू किया जाएगा। तो ये शुरू किया जाएगा राजस्थान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, युद्ध क्षेत्र पर्यटन जो है वो राजस्थान में शुरू किया जाएगा। और इसका पीडीएफ भी आंसर के साथ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 10 सितंबर 2018 को इथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये ध्यान रखना कि कौन सा प्लांट लगा जाएगा, तो इथेनॉल प्लांट लगा जाएगा। और ये किस राज्य में लगा जाएगा IOCL के साथ, तो ये हरियाणा में लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, इस अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास, इस अभ्यास का ही नाम है युद्ध अभ्यास 2018, 16 से 29 सितंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, तो युद्ध अभ्यास और किस देश के बीच होगा, तो भारत और अमेरिका के बीच। और ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण संस्थानों की मान्यता पर चौथा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो ये हो चुका है 7 से 9 सितंबर तक हुआ था, तो ये हुआ है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार भारत में किस एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक पहचान शुरू की गई है। तो मतलब पेपरलेस बनाने के लिए बायोमेट्रिक पहचान, आपका बस आँख और आपके फिंगरप्रिंट से सारा कुछ हो जाएगा, आपको कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। तो ये किया गया है बेंगलुरु एयरपोर्ट पर, और ये देश का, भारत का पहला एयरपोर्ट है जहाँ पे बायोमेट्रिक पहचान शुरू की गई है। तो ये सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अग्रिम जमानत के लिए सितंबर 2018 में एक बिल पारित किया है। तो ये विधानसभा में पारित हो गया, अभी राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। यहाँ इस राज्य में पहले अग्रिम जमानत नहीं थी, पहले तुरंत बेल नहीं मिलती थी। तो ये राज्य कौन सा है, ये राज्य है उत्तर प्रदेश। अब देखिए राष्ट्रपति जी क्या करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुणे में बिम्स्टेक देशों के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। तो आपको मैंने बिम्स्टेक के बारे में बताया था कि बिम्स्टेक चौथा बिम्स्टेक का सम्मेलन काठमांडू में हुआ था, नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और पांचवा बिम्स्टेक का सम्मेलन श्रीलंका में होगा। और इस युद्ध अभ्यास में ये पहला बिम्स्टेक का युद्ध अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। तो ये युद्ध अभ्यास सबसे पहले तो हो रहा है इंडिया में, और ये पुणे में हो रहा है, इंडिया के पुणे राज्य, पुणे शहर में, राज्य महाराष्ट्र। और एक चीज़ ध्यान रखना कि इस युद्ध अभ्यास में नेपाल भाग नहीं ले रहा है। लेकिन इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, इस युद्ध अभ्यास का नाम है मिलेक्स 18। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच 10 सितंबर 2018 को नोमैडिक एलिफेंट नामक युद्ध सैन्य युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। तो नोमैडिक एलिफेंट किस देश के साथ होता है, इंडिया और किस देश के साथ, तो ये मंगोलिया के साथ होता है। और इस बार ये युद्ध अभ्यास मंगोलिया में ही होगा। तो 10 सितंबर से शुरू हो चुका है ये, और इस युद्ध अभ्यास का नाम है नोमैडिक एलिफेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नोमैडिक एलिफेंट जो है किस देश के बीच होता है, भारत और किस देश के बीच, और ये मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर, और ये जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मीन्स चारों तरफ किसी न किसी देश से घिरा हुआ है। सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो कजाकिस्तान, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ओम प्रकाश मिश्रा ने शपथ ली है, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश मिश्रा ने शपथ ली है। और ये नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के जज कब बने थे, 2014 में, और 10 सितंबर को इन्होंने शपथ ली है ओम प्रकाश मिश्रा ने। और इनको शपथ, गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति, अभी तक के इतिहास में नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, विद्या देवी भंडारी, और केपी ओली वहाँ के प्रधानमंत्री हैं नेपाल के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से 3 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो 3 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है भारत और किस देश के बीच, तो भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। और ये कौन कौन सी 3 परियोजनाएं हैं, तो 500 मेगावाट इंडिया जो है बिजली प्रोवाइड करता ही है, इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता ही है बांग्लादेश को, लेकिन 500 मेगावाट और प्रोवाइड किया जाएगा। और फिर दूसरा है कुलेड़ा और शाहबाजपुर रेल जो है उसका, उसको जोड़ा जाएगा,
उसका निर्माण किया जाएगा और अखौरा अगरतला रेल जो है वो भी स्टार्ट किया जाएगा। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है तो दो दो रेल परियोजनाएं हैं और 500 मेगावाट बिजली अतिरिक्त प्रदान की जाएगी बांग्लादेश को। यही तीन परियोजनाएं हैं और ये तीन परियोजनाएं भारत और बांग्लादेश के साथ किया गया हुआ है शुरू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इंडेक्स के अनुसार 7 देशों पर विनिमय दर जोखिम का खतरा है। तो ये 7 देश, तो 7 देशों का नाम नहीं याद रखना है, पाकिस्तान है इसमें, फिर आपका तुर्की है, टर्की है, तो ये सब सारे देश हैं, लेकिन ये किस इंडेक्स के अनुसार दिया गया है। तो ये दिया गया है, ये आपको बस ध्यान रखना है कितने देश, तो 7 देश, नाम ध्यान नहीं रखना है, नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये ध्यान रखना है किस इंडेक्स के अनुसार दिया गया, तो ये नोमूरा इंडेक्स के अनुसार बताया गया है कि 7 देशों पर जो है वो आर्थिक संकट गहरा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के दक्षिणी तट पर किस खतरनाक तूफान के पहुंचने के आसार हैं। तो ये अटलांटिक ओशन में जो है ये तूफान देखे गए हैं और ये अमेरिका के दक्षिणी तट पर पहुंच सकते हैं। तो इस तूफान का नाम क्या रखा गया है, इस तूफान का नाम रखा गया है फ्लोरेंस। और आपको बता दूं कि पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा ओशन है, लेकिन सबसे व्यस्त, सबसे बिजिएस्ट ओशन कौन सा है, तो अटलांटिक ओशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुरानी वेदों के टाइम पे लिखी गई है, मतलब उस पर आधारित है ये। इस पुस्तक का मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ कि इस पुस्तक में ये है कि कोई लड़की जो है वो अपने परिवार के सहमति से अरेंज मैरिज कर लेती है और फिर बाद में उसे पछतावा होता है कि मैं खुद अपने लाइफ में खुद का डिसीजन नहीं ले पाती हूँ। तो ये पुस्तक लिखी किसके द्वारा गई है, द रूल्स ब्रेकर, तो ये लिखी गई है प्रीति सेनोई के द्वारा। और अभी अभी जो अक्टूबर में और नवंबर में जो पुस्तक रिलीज होने वाली है, एक तो नो स्पिन है जो कि सिन वार्न के द्वारा लिखी गई है, नो स्पिन, और एक पुस्तक है 281 एंड बियॉन्ड, ये पुस्तक VVS लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किस अधिनियम के तहत भेदभाव करने वाले को 2 साल की जेल या 1 लाख का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो आप अगर आप किस इस बीमारी से या फिर इस चीज़ से ग्रसित व्यक्ति से अगर आप भेदभाव करते हैं तो आपको 2 साल की जेल भी हो सकती है, 1 लाख का जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। तो ये कौन सा अधिनियम है, तो एड्स अधिनियम 2017, अगर एड्स वाले किसी व्यक्ति से अगर आप भेदभाव करते हैं तो ये प्रावधान किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स चैरिटी को मानवतावादी उपलब्धि के लिए 2018 का बालजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह चैरिटी किस देश में है। तो ये चैरिटी है स्विट्जरलैंड में, और ये ध्यान रखना कि इंटरनेशनल चाइल्ड राइट्स चैरिटी को बालजन पुरस्कार दिया गया है। फिर नेक्स्ट है देश का पहला रेल विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया है। तो ये वडोदरा में खोला गया है, और वडोदरा कहाँ है, किस राज्य में है, तो गुजरात में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया है, तो ये खोला जाएगा, इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, 5 सितंबर को पहला कोर्स स्टार्ट हो चुका है शिक्षक दिवस के दिन, लेकिन देश का पहला जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है वो किस देश में खोला जाएगा, सॉरी किस राज्य में खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा मणिपुर में। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारी वीडियो का अंत, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल नॉलेज हाउस को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो समय समय पर मिलती रहे। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।